दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया को देश के भिन्न भिन्न आठ हिस्सों से जोड़ने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने गुजरात में भिन्न भिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। लेफ्टिनेंट जनरल चिनार काप से कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादी घाटी में सुरक्षा बलों को लेकर कभी कभी नागरिकों को भी निशाना बनाते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि हम जवाब दें और नागरिकों को नुकसान न हो। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। मैं समझता हूं कि जीत का सवाल ही खत्म होता है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 जनवरी को एक एक क्लास पर चर्चा करें। महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने कल मुंबई में खारघर इलाके में एक नाइजीरियन ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। उसे आज मेडिकल के लिए भेजा गया है। ईडी ने दो चीनी नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। सिग्गू बॉर्डर पर प्रदर्शन के चलते पेट्रोल पंप कर्मचारियों की आय पर असर पड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को लेकर भूमिगत दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी है, लेकिन अब दिल्ली के सिग्गू बॉर्डर पर स्थित पेट्रोल पंप को इस आंदोलन की मार झेलनी पड़ रही है। राजस्थान के अलवर व नीमराणा के पास दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक वोल्वो बस पलट गई, जिसके कारण कई यात्री घायल हो गए। मध्य प्रदेश के उमरिया में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया में सातवें विकेट के लिए शतकीय पारी जारी करने वाले जोड़ीदार बने ठाकुर सुंदर। शार्दुल ठाकुर और बिशनरी सुंदर ने रविवार को जहां गाबा इंटरनेशनल स्टेडियम में मुश्किल हालात में खेलते हुए शतकीय साझेदारी निभाई। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में सातवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करने वाले चौथे भारतीय बन गए। जून 20 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है।